नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज हम बात करने वाले हैं महाराज जी से संबंधित कुछ ऐसी अद्भुत बातों के विषय में, जो कि आपके लिए एक संकेत हो सकता है कि जीवन में निकट भविष्य में आपका भाग्यवर्धन होने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि जीवन में उसका भाग्य उसका पूर्ण साथ दे। तो आज हम एक ऐसा क्रमांक लेकर आए हैं जिसके ऊपर हमने पहले भी कुछ क्रमांक बनाए हुए हैं, लेकिन आप सभी के बहुत सारे प्रश्नों के फलस्वरूप आज का ये क्रमांक और भी विशिष्ट बनाने के लिए हमने कुछ इसमें अंक शामिल किए हैं, बहुत से अनन्य दर्शकों के जिन्होंने अपना अनुभव बताया है, जो कि आपके लिए भी बड़ा फायदेमंद हो सकता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आप में से बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि महाराज जी के अलग अलग दशाओं में स्वप्न जो आते हैं, उसमें हम कैसे ये ज्ञात कर सकते हैं कि महाराज जी हमें क्या संकेत दे रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। तो आपके लिए आज कुछ ऐसे हमारे अनन्य दर्शकों के द्वारा भेजे गए ईमेल माध्यमों से अपने अनुभव जो उन्होंने बताए हैं वे आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। भोपाल से एक ही महाराज जी की बड़ी अनन्य भक्त हैं, जिन्होंने हमारे लिए लिखा है कि अभी कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन करने के पश्चात उन्हें महाराज जी के बड़े अद्भुत दर्शन हुए हैं, जिसमें महाराज जी उन्हें आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में दिख रहे हैं। और उनका कहना है कि अभी कुछ ही समय पहले ये स्वप्न आया है और उसके बाद से मेरी कुछ एक मंशाएं थी जो काफी समय से लंबित चल रही थी और वे मंशाएं पूर्ण होने की दिशा में कार्य कर रही हैं। तो महाराज जी के जो स्वप्न आते हैं उसके फलस्वरूप हमने बहुत से क्रमांक आपके लिए पहले भी प्रेषित किए हैं, उन क्रमांकों को भी आप हमारे जो सूची है उसमें से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अभी भी कुछ हमें ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि महाराज जी यदि स्वप्न में दिखते हैं उसका आशय क्या है, उसका आशय हम क्या समझ सकते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि महाराज जी का स्वप्न में दिखना सबसे पहला संकेत यह होता है कि महाराज जी के साथ आपका जुड़ाव बड़ी ही सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है। जैसे बहुत से लोग महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह उन्हें समझ में नहीं आ पाता कि कैसे महाराज जी का हम ये सानिध्य मान ले कि महाराज जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो गया है। और ऐसी दशा में यदि आपको महाराज जी के स्वप्न में दर्शन हो जाते हैं, तो आप इस दर्शन का सबसे पहला संकेत यह समझ लीजिए कि आपको महाराज जी का जो अद्भुत सानिध्य है, जिसके लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे, वह अब मिल गया है। यानी कि महाराज जी आपके जीवन में शामिल हो चुके हैं। आप बड़े भाग्यशाली होने वाले हैं, क्योंकि महाराज जी का मार्गदर्शन यदि किसी को मिलता है और वह व्यक्ति महाराज जी के मार्गदर्शन के फलस्वरूप चलता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी को अर्जित करता है। दूसरे कई प्रश्न इस संदर्भ में आ रहे हैं कि महाराज जी के स्वप्न में दर्शन कैसे हो सकते हैं। देखिए, यह बताना थोड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि यह तो महाराज जी की इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि महाराज जी स्वयं कहते हैं कि हम अपने जो अनन्य भक्त होते हैं उनका चुनाव स्वयं ही करते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी प्रार्थना बताना चाहूंगा जो आपको महाराज जी के समक्ष कहनी चाहिए। आप अपने शब्दों में महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष कोई भी प्रार्थना यदि कहते हैं, तो महाराज जी कहते हैं कि उस प्रार्थना को मैं अवश्य सुनता हूं। महाराज जी यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी तस्वीर के सामने आ जाता है, उस व्यक्ति को, उस अमुक व्यक्ति को मैं दिखाई देने लग जाता हूं। यानी कि महाराज जी का जुड़ाव आपके साथ तभी से हो जाता है जब आप महाराज जी की तस्वीर के समक्ष खड़े हो जाते हैं। तो सोचिए कितने अद्भुत हैं महाराज जी। अब आपको प्रार्थना क्या करनी है वह मैं आपको बता रहा हूं। प्रार्थना के लिए शब्द आप स्वयं चुनिए, क्योंकि आपकी भावनाएं आपसे बेहतर कोई नहीं कह सकता। तो इसीलिए प्रार्थना का मैं आपको एक छोटा सा विवरण बता सकता हूं कि महाराज जी से आप यह प्रार्थना कर सकते हैं कि महाराज जी, मैं इस जग से हारा हुआ हूं और अब आपके सानिध्य में आना चाहता हूं। मैं आपके चरणों में शरणागत होकर आ रहा हूं। महाराज जी मुझे संभाल लीजिए, मैं जीवन में बहुत घिरा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि महाराज जी आपके सानिध्य में आकर मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। इसीलिए महाराज जी मेरी अर्जी स्वीकार करिए, महाराज जी मुझे अपना सानिध्य प्रदान कीजिए। एक छोटी सी प्रार्थना है, शब्द आप चुन सकते हैं, या अगर आपको यह प्रार्थना भी अच्छी लगती है तो आप इस प्रार्थना को भी चुन सकते हैं। लेकिन आपको यह प्रार्थना करनी है महाराज जी के समक्ष जाकर। प्रहर कोई भी हो सकता है, समय कोई भी हो सकता है, लेकिन मन शुद्ध होना चाहिए, भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। जो आप महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करना चाह रहे हैं उसमें सत्यता होनी चाहिए। यदि आप इस स्वरूप में महाराज जी से अपनी कोई भी प्रार्थना कहते हैं, तो महाराज जी आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको हो सकता है बहुत ही संभवतः
ये बात सफल हो सकती है कि महाराज जी आपको स्वप्न में दर्शन दे दें। इस प्रार्थना को कहने के बाद यदि महाराज जी आपको स्वप्न में दिख जाएं, तो समझ लीजिएगा कि महाराज जी ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है और महाराज जी आपके जीवन में जुड़ गए हैं। और एक बार महाराज जी का जुड़ाव हो जाए तो मैं आपको ये पूर्ण वादा कर सकता हूं कि आप भी महाराज जी के अनुभव अपने शब्दों में नहीं कह पाएंगे। तो बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जो महाराज जी से जुड़ रहे हैं। तो ये प्रार्थना कहना मत भूलिएगा। सबसे ज्यादा मैं ये प्रार्थना उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि जो अभी नए महाराज जी से जुड़ने का प्रयास करें, जो जन अभी महाराज जी को जान पाए हैं और चाहते हैं कि महाराज जी से हमारा भी जुड़ाव हो जाए, महाराज जी हमें भी अपना लें, तो ये उन लोगों के लिए बड़ी ही सफल प्रार्थना हो सकती है। ये उन लोगों के लिए भी बड़ी सफल प्रार्थना हो सकती है जो लोग काफ़ी समय से महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन किसी फलस्वरूप महाराज जी के स्वप्न में दर्शन नहीं हो पाए या एक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये कहना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा कि महाराज जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो गया है, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे ज्ञात होगा। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी संदर्भ में आ रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ये एक अंतरिम या अंतर मन से जुड़ाव की भावना है कि जब आपका किसी से जुड़ाव होता है तो आप उस जुड़ाव का अनुभव कर सकते हैं अपने अंतर्मन में, अपनी भावनाओं में, अपने क्रियाकलापों में, अपने मस्तिष्क के विचारों में। तो ये जुड़ाव की बात है। प्रेम जिस प्रकार से दिखता नहीं है, जिस प्रकार से प्रेम का भाव जो होता है केवल अनुभव किया जा सकता है, वह दिखता नहीं है, उसी प्रकार से ये वही प्रेम का भाव है, ये वही जुड़ाव का भाव है जो दिख तो नहीं सकता लेकिन अनुभव बड़ी ही सफल तौर पर किया जा सकता है। तो ये आपको स्वयं ही अनुभव हो जाएगा कि महाराज जी से हमारा जुड़ाव हो गया है। लेकिन बहुत से लोगों को, ज्यादातर लोगों को स्वप्न में महाराज जी दर्शन दे के ये संकेत करते हैं, ये इंगित करते हैं कि अमुक भक्त के जीवन में मेरा प्रवेश हो चुका है। तो एक बात मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा जो कि मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई है कि जब आपको महाराज जी का स्वप्न आ जाए, उनसे जुड़ाव भी महसूस हो जाए, तो महाराज जी की आदतों को, महाराज जी की शिक्षाओं को अपनाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे महाराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जो महाराज जी की जो शिक्षाएं हैं उनके अनुसरण या उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। महाराज जी की शिक्षाएं भी बहुत सरल हैं कि सभी से प्रेम कीजिए, सभी के साथ जुड़ाव बनाइए, सभी को अपना मानिए, सभी को समान देखिए, सदैव सत्य को बताएं, इसके अलावा सभी जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और भूखों को भोजन कराएं। ये कुछ महाराज जी की मुख्य शिक्षाएं हैं जो केवल और केवल महाराज जी अपने अनन्य भक्तों से चाहते हैं। और महाराज जी इतना सब कुछ दे देते हैं, इतना सब कुछ प्रसाद देने में महाराज जी संभव हैं जो कि आपको असंभव सा दिखता है, लेकिन महाराज जी के जीवन में, महाराज जी के आशीर्वाद में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है। महाराज जी सब कुछ देने में सक्षम है। महाराज जी कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि के गुरुओं का मैं गुरु हूँ, इस पूरी सृष्टि के जितने भी लोग हैं वे सब मेरी संतानें हैं, मैं सबके पिता के समान हूँ। तो देखिए महाराज जी कितने दयालु हैं, इतने सब लोगों की जिम्मेदारी महाराज जी ने उठा रखी है। तो आप सोचिए कि इतने दयालु और इतने कोमल हृदय महाराज जी कैसे आपके जीवन में कल्याण नहीं कर सकते। आप स्वयं सोचिए कि इतने कल्याणकारी महाराज जी क्या आपका जीवन नहीं बदल सकते। बस बात है प्रेम की। जो लोग प्रेम का अनुभव करना जानते हैं, जो लोग सबसे प्रेम करना जानते हैं, जो लोग सभी को, इस पूरी सृष्टि के लोगों को अपना परिवार समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए ईश्वर से जुड़ना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। आप पुकार कर तो देखिए, महाराज जी आएंगे और निश्चित तौर पर आपका भाग्य बदल कर आपको क्या से क्या बना देंगे। इस पूरी सृष्टि में जो लोग पूर्ण रूप से निस्वार्थ कार्य करते हैं, ऐसे लोग महाराज जी को बड़े पसंद आते हैं। महाराज जी ऐसे लोगों को और जिम्मेदारियां देते हैं, दूसरों को शिक्षित कराने का कार्य सौंपते हैं। तो मैं यही आशा करूंगा कि महाराज जी सभी को ऐसी सद्बुद्धि दें, सभी को ऐसी सन्मति दें और संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। तो इस प्रार्थना के साथ ही विराम देते हैं आज के इस क्रमांक को। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।